ओके स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मेरा नाम है वैशाली पांडे, वेलकम टू सीयूईटी बाय अडेटो 47। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? तो आज एक हम नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जीके और करंट अफेयर्स की स्टूडेंट्स, फ्रॉम 1 अप्रैल फॉर सीयूईटी एंड अदर यूजी एंट्रेंस एग्जाम। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है स्टूडेंट्स, और आज से आपको अपना जो प्रिपरेशन है वो यहाँ नहीं, यहाँ कर लेना, एकदम हाई कर लेना अपनी प्रिपरेशन। और जितनी शिद्दत से आप पढ़ाई करोगे, जितनी शिद्दत से आप डेडिकेटेड वे में चीज़ों को करोगे, जितनी कंसिस्टेंसी से करोगे, वो आपको बहुत 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 ऊंचा ले जाएगा स्टूडेंट। और एक दिन आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में लैंड कर लोगे, अच्छी जगह पहुँच जाओगे, राइट? एंड यू नो यू विल बी एबल टू प्राउड योर फादर एंड योर मदर एंड योर सेल्फ ऑल्सो स्टूडेंट्स, ठीक है? एंड ऑल्सो मी टू, ठीक है? गायत्री, ओके, कुसुम, नायना, एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी जीके एंड करंट अफेयर्स सेशन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। एंड अब हम करंट अफेयर्स तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे विद एमसीक्यूज एंड एनालिसिस, उसके साथ हम जीके भी यू नो डेली करेंगे। तो डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स एज वेल एज जीके आपका कवर होगा। गुजारिश ये है स्टूडेंट्स, पता है क्या होता है ना, इतने सारे स्टूडेंट्स देखते हैं लेकिन लास्ट तक इतने ही रह जाते हैं, और उन्हीं इतने का सिलेक्शन होता है ना। तो अभी क्या होता है ना कि बहुत बहुत सारे लोग एकदम जोश से आएंगे, यस वी हैव टू डू इट, वी हैव टू डू इट, वी हैव टू डू इट, बट जब आपके एग्जाम्स आएंगे बहुत बहुत कुछ ही बच्चे दिखाई बहुत कुछ ही बच्चे नजर आएंगे, बहुत कुछ ही बच्चे दिखाई देंगे, और उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा क्योंकि वो कंसिस्टेंट है, क्योंकि वो अपने एम की तरफ फोकस है। वो रोज डेली सुबह उठते हैं और वो अपने दिमाग में बोलते हैं, अपने मन को बोलते हैं कि मुझे अचीव करना ही है, मुझे अचीव करना ही है। एक बार मैं कमेंट्स देख लेती हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग राधे राधे, गायत्री, कुसुम, नव्या, ओहो किलर भी है हमारे सेशन में। देन युविका, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आंचल, शिवानी पटेल, मुर्तजा, चौरसिया, रिबू, ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ठीक है? चलिए स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने सेशन को, और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो सबसे पहले तो डेली मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग नए आए हैं वो जान जाइए, मेरी जो डेली करंट अफेयर्स की क्लास होगी, डेली करंट अफेयर्स की क्लास वो रोज सुबह 7 बजे होगी। आज टेक्निकल इशू की वजह से स्टूडेंट्स आपकी क्लास 9 PM पर कंडक्ट की जा रही है, बट डेली आपकी सुबह क्लास होगी 7 AM पर। तो आपको मेरे साथ जुड़ना है लाइव एट 7 AM शार्प, ओनली ऑन CUET अड्डा 247 चैनल, ठीक है? और डेली करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, और उसके बाद आपकी जो क्लास रहेगी वो सैटरडे को रहेगी। सैटरडे को आपकी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी, जिसमें हम हफ्ते का हमने जितना कुछ भी पढ़ा है सबका रिविजन करेंगे। आपके स्टैटिक का भी रिविजन होगा और आपके करंट अफेयर्स का भी रिविजन होगा। तो आपका समझ लो पूरा का पूरा CUET में जितना भी आपका जी के करंट अफेयर्स आता है वो यहीं से आएगा स्टूडेंट्स, आई अश्योर यू दैट। और जितने भी अदर एग्जाम्स में आते हैं, यूजी एंट्रेंस एग्जाम्स में जितने भी आते हैं, वो भी आपका कवर हो जाएगा, राइट? चलिए स्टार्ट करेंगे। तनीश गौरव, अनुष्काज लाइफ स्टाइल, अच्छा जी। तो हमारा CUET का बैच लॉन्च हो चुका है, आप इसमें एनरोल कर लीजिएगा। यू हैव टू यूज़ द कोड Y455 फॉर गेटिंग दी यू नो मैक्सिमम डिस्काउंट स्टूडेंट, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, थॉट ऑफ द नाइट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो टुडे इज़ फर्स्ट ऑफ अप्रैल एंड टुडे इज़ अ न्यू बिगिनिंग ऑफ GK एंड करंट अफेयर्स ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर यू नो ऑफ योर ड्रीम। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है कि आप करने वाले हो CUET 2022 या अदर जो भी आपका एम है, तो आज वो दिन है। टुडे इज़ अ न्यू बिगनिंग एंड सो द एडवेंचर बिगेंस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स स्टूडेंट्स, एंड लेट्स स्टार्ट, राइट? बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा स्टूडेंट सेशन को एक बार, और अगर आप नए हैं तो इस फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दो फटाफट से ग्रुप्स में, ठीक है? चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे विद योर करंट अफेयर्स एनालिसिस एंड MCQ सेशन एंड योर जर्नल नॉलेज। तो पहले तो हम करंट अफेयर्स एनालिसिस करेंगे विद MCQs और लास्ट में हम GK करेंगे, ठीक है? चलिए तो पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, आज से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है और आज अप्रैल फूल डे है, और कितने कितने लोगों को अप्रैल फूल आज बनाया है। यस, हैप्पी न्यू ईयर मैम, हैप्पी न्यू ईयर यू टू ऑल। अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर फ्रॉम 2nd ऑफ अप्रैल वी विल हैव द हैप्पी न्यू ईयर। तो न्यू ईयर ही समझ लो,
राइट, हैप्पी न्यू बिगनिंग स्टूडेंट्स. चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से. पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए, विच स्टेट रिसेंटली साइंड अ पैक्ट विद असम टू रिजॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट इन 6 places. अभी हाल ही में किस राज्य ने 6 स्थानों पर सीमा विवाद को सुलझाने के लिए असम के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? अरे बाप रे, हाँ बहुत बढ़िया. इसका आंसर क्या होगा? योर आंसर विल बी मेघालय. ठीक है, अभी हाल ही में स्टूडेंट्स मेघालय ने 6 स्थानों पर सीमा विवाद को सुलझाने के लिए असम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है. इसके बारे में देख लेते हैं भाई, इसमें है क्या. देखिए फोकस करिएगा, हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं असम के, उनका नाम क्या है, किसी को पता है उनका नाम क्या है? उनका नाम है हिमंता बिस्व शर्मा. हिमंता बिस्व शर्मा हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम है असम के. और साथ ही जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं मेघालय के, उनका नाम है कॉनराड सगमा. राइट, चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय कॉनराड सगमा इन द प्रेजेंस ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने एक साइन किया है पैक्ट जो रिजॉल्व करेगा प्रोटेक्टेड बॉर्डर डिस्प्यूट इन 6 out of 12 places. 12 में से 6 places पे जो डिस्प्यूट हो रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा है, उसको रिजॉल्व करेगा. आई होप यू गॉट दैट राइट. एंड अलॉन्ग द 884.9 kilometer बॉर्डर बिटवीन द टू स्टेट. अच्छा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ये जो डे है इसको हिस्टोरिक डे बोला जाता है. क्योंकि ये रिजॉल्व कर रहा है जो 5 decades से चला आ रहा था ओल्ड बॉर्डर डिस्प्यूट असम और मेघालय के बीच में. ये इसको पूरी तरीके से रिजॉल्व करेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, ये डिस्प्यूट. अब सिंस द डिमार्केशन ऑफ मेघालय फ्रॉम द असम, जब मेघालय और असम डिवाइड हुआ था तब से डिस्प्यूट चला आ रहा था, और अब ये जो एक हिस्टोरिक दिन है जहाँ पर ये जो डिस्प्यूट है ये पूरी तरीके से रिजॉल्व हो जाएगा. राइट, साथ ही द फर्स्ट फेज ऑफ सेटलमेंट कवर्स द 36 विलेजेस सिचुएटेड इन 6 places. जो छः प्लेसेस में 36 villages हैं, उसमें जो बेसिकली 6 places में 36 villages को यहाँ पर कवर किया जाएगा पहले फेज ऑफ सेटलमेंट में. ठीक है, वो कौन कौन से हैं? अहीम है, गिजांग है, ताराबरी है, बोकला पारा है, खाना पारा है, साथ है पिलिंग कटा और राता चेरा है, आउट ऑफ द 12 कवरिंग द एरिया ऑफ 36.79 square kilometer. ठीक है, हाँ राधे राधे. चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स. नेम द कंपनी दैट रिसेंटली इन मार्च 2022 साइंड अ ₹3,102 crore कॉन्ट्रैक्ट विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू सप्लाई एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट फॉर फाइटर एयरक्राफ्ट एंड इंस्ट्रूमेंटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेंज फॉर दी IAF फॉर इंडियन एयरफोर्स. देखते हैं उस कंपनी का आपको नाम बताना है जिसने हाल ही में मार्च 2022 में 3,102 crore rupees का अनुबंध किया है स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है रक्षा मंत्रालय लड़ाकू के लिए एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफायर सूट की आपूर्ति करेगा जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है उसके लिए एयरक्राफ्ट और इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफायर रेस. तो आपको यहाँ पर क्या बताना है स्टूडेंट्स, किसके साथ साइन किया गया है ये कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पर बताना है. नजराना, हेलो नजराना, हाउ आर यू. हाँ मैम हमको भी बना दिया सबने. अच्छा जी, उत्कर्ष जी, आंसर यहाँ पर थर्ड होगा, दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. तो वो कंपनी है जिसने साइन किया है 3,102 crore का कॉन्ट्रैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ. उसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? उसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. आई होप यू गॉट दैट. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट. अच्छा इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें है क्या. देखिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इन्होंने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जो बेस्ड है कहाँ पर? बेंगलुरु कर्नाटका में. ठीक है, और साथ ही BEL हैदराबाद के साथ और साथ ही तेलंगाना फॉर द सप्लाई ऑफ एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट फॉर फाइटर एयरक्राफ्ट एंड फॉर इंस्ट्रूमेंटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेंज फॉर द इंडियन एयरफोर्स रिस्पेक्टिवली विद द टोटल आउटले ऑफ 3,102 crore. सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कॉस्ट है, कॉस्ट क्या है इस बेसिकली जो इन्होंने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट उसकी टोटल कॉस्ट है ₹3,102 crore. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और हमारी जो BEL है उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है राइट कि ये क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट की हमारे इंडियन एयर फोर्स के लिए. और कितना टोटल कॉस्ट है? 3,102 इसकी टोटल कॉस्ट है. आई होप यू गॉट दैट. ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हु रिसेंटली लॉन्च्ड द जल शक्ति अभियान
कैच द ट्रेन कैंपेन 2022 एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। बताइए इसका फटाफट से आंसर क्या होगा। हाय अमन, हाउ आर यू? स्नेहा सरकार, नजराना, बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, हाल ही में जल शक्ति अभियान किसने लॉन्च किया है भाई? यस मैम, क्लियर, ठीक है। किसने लॉन्च किया है जल शक्ति अभियान, कैच द रेन कैंपेन 2022 विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में? इसका आंसर क्या होगा मुर्तजा? आंसर यहाँ पर होगा हमारे जो माननीय जो हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, रामनाथ कोविंद, उन्होंने किया है। राइट, बहुत बढ़िया। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, देखिएगा, हमारे रामनाथ कोविंद जो कि प्रेसिडेंट हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, उन्होंने लॉन्च किया है जल शक्ति अभियान। वेरी गुड, जल शक्ति अभियान इन्होंने लॉन्च किया है। और पूरा नाम क्या है इसका? जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022। राइट, एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था नेशनल वाटर मिशन के द्वारा, जो कि हमारी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स के अंडर आता है। राइट, और साथ ही जो रिवर डिपार्टमेंट है और गंगा रिजुवेनेशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इन्होंने मिलकर एक किया था, स्टूडेंट्स लॉन्च किया था जल शक्ति अभियान कैच दी रेन। और ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। हमारे जो माननीय राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद हैं, उन्होंने फैसिलिएट किया था और दिया था फर्स्ट प्राइज विनर्स को इस थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020 में, ठीक है। अच्छा, याद था बट चार्ट देख के मोदी कर दिया। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है तनीश। राइट, चलिए आगे बढ़ते। थैंक यू सो मच तनीश, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं बच्चे। विच कंट्री रिसेंटली साइंड एन MOU विद इंडिया टू जॉइंटली एक्सप्लोर लिथियम एंड कोबाल्ट मिनरल रिसोर्सेज? तो कौन सी कंट्री है जिसने साइन किया है मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? MOU का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चे? मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। इंडिया के किस कंट्री ने MOU साइन किया है हमारे प्यारे भारत इंडिया के साथ, क्या करने के लिए? लिथियम और कोबाल्ट मिनरल रिसोर्सेज को क्या करने के लिए स्टूडेंट्स? अन्वेषण करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, रजत कोठे जी, आंसर यहां पर होगा फर्स्ट, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं स्टूडेंट, इसके बारे में देखेंगे है क्या। देखिए, जो हमारी भारत सरकार है और जो ऑस्ट्रेलिया है, मतलब हमारी भारत सरकार और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने इन्वेस्ट किया है $6 मिलियन एक्सप्लोर करने के लिए स्टूडेंट्स, लिथियम और कोबाल्ट माइंस, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में, अगले 6 महीने के लिए, ठीक है, इन दी नेक्स्ट 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर अंदर ये क्या करेंगे? एक्सप्लोर करेंगे लिथियम और कोबाल्ट माइंस, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। और इसके लिए हमारी भारत सरकार और ऑस्ट्रेलिया की जो सरकार है, उन्होंने मिलकर इस पर पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है। राइट, अब ये जो MOU है, मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये इंक्लूड करेगा जितनी भी बिल्डिंग है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में। राइट, सी द MOU इंक्लूड्स द बिल्डिंग एंड ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप इन द क्रिटिकल मिनरल इकोसिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ अ रॉम्बस एंड कमर्शियली वायलेबल क्रिटिकल मिनरल सप्लाई टू सपोर्ट द सस्टेनेबल प्रोडक्शन, एंश्योरिंग द रिलायबल सप्लाईज ऑफ द मटीरियल्स नीडेड टू फ्यूल द सेक्टर्स सच एज ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन, मेडिसिन, एविएशन एंड डिफेंस। बेसिकली है क्या, जो एक्सप्लोर किया जाएगा लिथियम और कोबाल्ट माइंस ऑस्ट्रेलिया में अगले 6 महीने के अंदर अंदर, उसमें हमारी इंडिया ने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है और ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने दोनों मिलकर ये कर रहे हैं, ठीक है। इसमें पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रोजेक्ट में कितना लगाया गया है? $6 मिलियन यहाँ पर लगाया गया है। राइट, आई होप यू गॉट दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच कंपनी दैट रिसेंटली पार्टनर्ड विथ पाइन लैब्स टू लॉन्च द टैप टू पे फॉर UPI? किस कंपनी ने हाल ही में स्टूडेंट्स टैप टू पे लॉन्च करने के लिए पाइन लैब्स के साथ आगे दारी की है? UPI के लिए भुगतान कितना किया गया बताइए, किसने किया है? बताओ कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली पार्टनरशिप की है पाइन लैब्स के साथ, क्या करने के लिए? लॉन्च करने के लिए टैप टू पे UPI के लिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के लिए। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा सेकंड, दैट इज गूगल पे। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा नितिश कुमार ब्लॉग्स रोज डेली करंट अफेयर्स का टाइमिंग है 7 AM पर, आपको मेरे साथ जुड़ना है लाइव, ठीक है। गूगल पे कंपनी है जिसने पार्टनरशिप की है पाइन लैब्स के साथ लॉन्च करने के लिए टैप टू पे फॉर UPI के बारे में देख लेते हैं। देखिए गूगल पे क्या है बच्चे, आपको पता है, आपको तो पता ही है गूगल पे क्या होता है, क्या होता है?
एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है, जहाँ जैसे फ़ोन पे होता है, गूगल पे होता है ना, पेटीएम होता है, वैसे ये एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आराम से, जैसे कभी मार्केट में जाते हो तो गूगल पे कर देते हो, फ़ोन पे कर देते हो, है कि नहीं? और आप लोग साथ में क्या कर देते हो, कोई पेटीएम कर देते हो, पेटीएम करो तो पेटीएम भी कर देते हो। वही है, गूगल पे एक पेटीएम पेमेंट प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स, ठीक है, गूगल का, जिसने पार्टनरशिप की है पाइन लैब्स के साथ लॉन्च करने के लिए टैप टू पे। टैप टू पे इन्होंने किया है ताकि एक टैप करो और पे कर दो, मतलब बहुत इजी बना दिया है इन्होंने पेमेंट करने का जो जरिया है बहुत इजी बना दिया है, राइट? चलो, यूपीआई पेमेंट इंटरफेस के लिए, और ये एक फंक्शनैलिटी है जो ब्रिंग करती है सीमलेस कन्वीनियंस, ताकि आप टैप करो और पे कर दो, राइट? हाँ, मुकुल CR7 बोल रहे हैं, आई गॉट सेलेक्टेड इन PNB PO टुडे, कॉन्ग्रेचुलेशंस मुकुल। ओके, मैं मुकुल के बारे में बता दूं, मुकुल मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट हैं, एंड यू नो गेट कनेक्टेड विद मी ऑन इंस्टाग्राम। मुकुल, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू मुकुल। मुकुल मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, राइट? एंड बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, सुन के ये, चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। विद दिस न्यू फीचर यूजर्स कैन जस्ट टैप देयर फोन्स ऑन द पॉइंट ऑफ स्केल टर्मिनल एंड ऑथेंटिकेट द ट्रांजेक्शन ऑन देयर फोन्स यूजिंग दिस यूपीआई पिन, ठीक है? मैम, करेंट अफेयर्स का कोई ऐप है? अड्डा 247 ऐप है स्टूडेंट्स। मुकुल CR7, जस्ट कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, राइट? जस्ट पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम, राइट? चलिए, अच्छा, फोकस करिएगा। विद दिस न्यू फीचर यूज, देखो, इस नई फीचर के साथ क्या होगा, इस नई फीचर के साथ आप टैप करोगे और आराम से आप पे कर सकते हो, ठीक है? चलो आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। पाइन लैब्स के बारे में बात करेंगे, तो सीईओ कौन है पाइन लैब्स के? पाइन लैब्स के सीईओ कौन है? अमरीश राव। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है पाइन लैब्स का? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। और फाउंड कब हुआ था? 1998 में फाउंड हुआ था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फोकस करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन मार्च 2022 ICRA डिक्रीज्ड द फोरकास्ट ऑफ इंडियाज GDP ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 टू डैश फ्रॉम 8%। मार्च 2022 में ICRA ने फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए भारत की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, GDP है स्टूडेंट्स, उसकी वृद्धि के लिए पूर्वानुमान को 8% से घटाकर कितना कर दिया है, बताइए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वैश 25 इंस्टा, आप वहां पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है? चलिए, शुभम सिंह, आंसर यहां पर फर्स्ट होगा, दैट इज 7.2%। थोड़ा फोकस करिएगा सेशन पे। मार्च 2022 में ICRA ने डिक्रीज कर दिया है स्टूडेंट्स, अच्छा, आप थोड़ा सा फोकस करेंगे सेशन पे, जस्ट फोकस, राइट? चलिए, मार्च 2022 में ICRA ने डिक्रीज कर दिया हमारे इंडिया का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ग्रोथ रेट था फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए। आपको बताना है कि कितने से कितना परसेंट कर दिया है, ठीक है? बताइए, 8% से क्या कर दिया है स्टूडेंट, 7.2% कर दिया है। इसके बारे में देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इसके बारे में देखेंगे है क्या। देखिए, जो हमारी रेटिंग एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी 7.2%, रेटिंग एजेंसी कौन सी है स्टूडेंट्स? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हमारे इंडिया की, इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इन्होंने 7.2% रिड्यूस कर दिया है फाइनेंशियल ईयर किसके लिए, फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए। पहले ये 8% हमारा GDP था, लेकिन अब इन्होंने 7.2% कर दिया है, राइट? चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु रिसेंटली वन द गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 एट 9th सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो 9th सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स हुआ था, कंडक्ट हुआ था, 9th एडिशन ऑफ सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स, इसमें गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे दिया गया है। अच्छा, एक चीज अभी मैंने आपको शॉर्ट्स में बताया ही था स्टूडेंट्स, शॉर्ट्स में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि गवर्नर कौन, किस कहाँ के, किस कंट्री के गवर्नर हैं जिनको अवार्ड दिया गया है। तो आंसर यहाँ पर होगा मारियो मार्केल, आंसर विल बी मारियो मार्केल। तो मारियो मार्केल को क्या मिला है, गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्होंने जीता है 9th सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स में, ठीक है? मैं पढ़ा रही हूँ उसको, आराम से पढ़ो ना बच्चे रजत। चलो, मारियो मार्केल हैं स्टूडेंट्स, ये गवर्नर हैं, गवर्नर है चील के, राइट? सेंट्रल बैंक ऑफ जो चील है वहाँ के गवर्नर हैं। इन्होंने जीता है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2022 9th एडिशन ऑफ सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स में, ठीक है, राइट? चलिए, इनके बारे में अगर जानना चाहते हो तो ये भाई मारियो मार्केल ने सर्व किया था एज द गवर्नर ऑफ
BCCH फ्रॉम दी 2016 टू जनवरी 2022, उसके बाद इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था अपनी पोस्ट से जनवरी 2022 में, और फाइनेंस मिनिस्टर बन गए थे जो नया एडमिनिस्ट्रेशन आया है गैब्रियल बोरिक, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ चील हैं उनके, उनके कार्यकाल में ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और इनको मिला है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड, राइट। चलिए आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने रिसेंटली एक्सटेंड किया है टर्म, सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टॉनबर्ग का, कब से कब तक कर दिया है बताइए, इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, नाटो जैसे हम बोलते हैं, इन्होंने रिसेंटली सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टॉनबर्ग का स्टूडेंट्स इन्होंने कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया है, आपको बताने कब तक कर दिया है। सुधा, क्या हो गया सुधा, आंसर यहां पर होगा फिफ्थ, दैट इज सेप्टेम्बर 2023। तो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने कार्यकाल जो है बढ़ा दिया है, जो फोटो देख रहे हो ना किसकी है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है जेंस स्टॉनबर्ग, राइट। देखिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सटेंड कर दिया है, सेक्रेटरी जनरल है, इनका नाम है जेंस स्टॉनबर्ग, इनका जो कार्यकाल है, इनका जो इनका जो टेन्योर है, जो पीरियड है, इसका एक ईयर मतलब एक साल इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, और कर दिया है 30th September 2023 तक। जेंस स्टॉनबर्ग की बात करें तो ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं नॉर्वे के, राइट, और उन्होंने अपना पूरा जो ऑफिस था वो संभाला कब था, अक्टूबर 2014 में एज सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, और 2021 में इनका जो टर्म था वो एंड हो चुका था। अच्छा, अगर हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में कितने स्टेट्स हैं, 30 स्टेट्स हैं, अगर हम 2022 की बात करें तो 30 स्टेट्स हैं। यहाँ पर फाउंड कब हुआ था, 4th of April 1949 को ये फाउंड हुआ था, और यहाँ का जो हेडक्वार्टर है वो क्या है, नाटो का, नाटो, वो वाला नाटो नहीं जो तुम लोग बोलते हो अरे तुम लोग क्या हो, तुम लोग नाटो हो, नाटू हो, ऐसा, वो वाला नाटो नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, राइट। चलिए रजत खोटे बोले मैम टाइमिंग क्या है, सुबह 7 बजे, राइट, फोकस करिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रिसेंटली री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर द सेकेंड टाइम, हाल ही में दूसरी बार भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है बताइए। मैम आवाज बहुत लो आ रही है, देवांशी बोल रही हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स। अच्छा मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूं, ठीक है, हाल ही में दूसरी बार भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, इसका आंसर होगा फर्स्ट, दैट इज विश्वास पटेल, विश्वास पटेल को चुना गया है एज द चेयरमैन ऑफ पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया दूसरी बार, ठीक है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं स्टूडेंट्स, जो फोटो देख रहे हो ना इनका नाम क्या है, इनका नाम है विश्वास पटेल, राइट, इनका नाम क्या है, विश्वास पटेल, ये इनको री इलेक्ट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया दूसरी बार के लिए, ठीक है। अभी पहले 2018 में इनको इलेक्ट किया गया था पीसीआई का चेयरमैन 2018 में, आई होप यू गॉट दैट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, ये भाई 2013 में इन्होंने सर्व किया था एज द को चेयरमैन ऑफ पीसीआई, दैट इज पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें तो पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया एक पेमेंट इकोसिस्टम इंडस्ट्री बॉडी है और पार्ट है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का, राइट, आई होप यू गॉट दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए मार्च 2022 की बात करें तो हिमंता बिस्व शर्मा, इनको री इलेक्ट किया गया था एज प्रेसिडेंट ऑफ द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया चार साल के लिए। अच्छा हिमंता बिस्व शर्मा आपको बताना है किस स्टेट के क्या हैं, किस स्टेट के ये चीफ मिनिस्टर हैं, किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, ये क्लास पर डे चलेगी, यस चित्रा सिंह फ्री में ये क्लास पर डे चलेगी, आंसर यहां पर क्या होगा, असम, आंसर विल बी असम, ठीक है। तो मार्च 2022 में हिमंता बिस्व शर्मा इनको रीइलेक्ट किया गया था एज द प्रेसिडेंट ऑफ द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया 4 साल के लिए। जो हिमंता बिस्व शर्मा है ये चीफ मिनिस्टर है किस स्टेट के, असम के, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी कंट्री है जिसने जीता है 3rd edition ऑफ साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन SAFF Under-18 Women Championship 2022
held at Jamshedpur, Jharkhand in March 2022. तो मार्च 2022 में झारखंड के जमशेदपुर में आयोजित 18 महिला चैंपियनशिप 2022 के तहत दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ का तीसरा संस्करण किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड होगा, दैट इज हमारा प्यारा भारत, इंडिया. वेरी गुड राधे राधे. नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में कौन सा स्टेट बन चुका है पहला स्टेट जिसने इंट्रोड्यूस किया है स्कीम ताकि ये पर्सनल लोन दे सकें? क्या हो गया उत्कर्ष, बताओ, तुम्हारी अपनी बात बताओ. आंसर यहां पर थर्ड होगा, दैट इज महाराष्ट्र. आंसर हियर विल बी महाराष्ट्र. आंसर हियर विल बी महाराष्ट्र. ठीक है, चलिए. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव फिनिश्ड द करंट अफेयर्स ऑफ टुडे. नाउ वी आर गोइंग टू डू द जनरल नॉलेज. और आज जनरल नॉलेज में हम पढ़ेंगे निक नेम्स ऑफ इंपॉर्टेंट सिटीज. निक नेम्स ऑफ इंपॉर्टेंट सिटीज हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, आई होप यू गॉट दैट एवरी वन. आई होप यू गॉट दैट. आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए. आरिस खान, अंकित, अनुष्का लाइफ स्टाइल, ओ हो, चित्रा सिंह, देन डार्विन, देवांशी, कशिश, किलर, कुसुम पांडे, मुर्तजा, देन नजराना, देन नंदिनी कुमारी, ओके, पिंटू, रजत, स्नेहा, तनिषा. वेरी गुड, वेरी गुड उत्कर्ष, राधे राधे. एवरी वन हु हैव ज्वाइन दिस सेशन, वेरी गुड स्टूडेंट्स. कीप दिस सेशन गोइंग, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कीप दिस सेशन गोइंग. चलिए, अब हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज, निक नेम्स ऑफ इंपॉर्टेंट सिटीज. राइट, थैंक यू सो मच राधे राधे. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम पढ़ेंगे निक नेम्स. तो यहाँ पर बच्चे दो कॉलम्स दिया है, जहाँ पर निक नेम्स है और यहाँ पर सिटी दी हुई है. तो सबसे पहले हम देखते हैं अमृतसर को. अमृतसर को कौन सी किस नाम से जाना जाता है? तो हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि अमृतसर को हम गोल्डन सिटी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? गोल्डन सिटी. राइट, गोल्डन सिटी बोलते हैं. अब अहमदाबाद की बात करेंगे, तो अहमदाबाद को बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. अहमदाबाद इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. मुंबई, मुंबई कोई गया है यहाँ पर? कितने लोग मुंबई गए हैं बताइए. अंकित राजपूत बोल रहे हैं मैम आईपीएल चल रहा है, और मैम थोड़ा सा जल्दी सेशन कर दीजिए, एंड करना है. अच्छा जी, अच्छा, चलो सेशन तो नहीं खत्म होने वाला, पहले पूरा खत्म करके ही खत्म करेंगे, और इम्पोर्टेंट है. ठीक है, चलिए. तो अगर हम बात करेंगे मुंबई की, तो मुंबई को बोलते हैं सिटी ऑफ सेवन आईलैंड. मुंबई को बोला जाता है सिटी ऑफ सेवन आईलैंड. राइट, आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स. हम बात करेंगे कोचिन की, तो कोचिन को बोला जाता है क्वीन ऑफ अरेबियन सी. क्वीन ऑफ अरेबियन सी बोला जाता है किसको? कोचिन को. ठीक है, बैंगलोर की बात करेंगे, तो बैंगलोर को हम स्पेस सिटी बोलते हैं. साथ ही बैंगलोर को गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है. बहुत ही खूबसूरत है बैंगलोर, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है. ठीक है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बैंगलोर को बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं. राइट, आई होप यू गॉट दैट. आगे बात करते हैं जयपुर की, तो जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं. मुंबई की बात करेंगे, तो मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया भी बोला जाता है. अच्छा, हैदराबाद और सेकुंदराबाद, दोनों जो यू नो स्टूडेंट सिटी है, एक अपनी हैदराबाद है और एक अपनी क्या है, सेकुंदराबाद, तो दोनों को बोला जाता है ट्विन सिटी. ट्विन सिटी, ठीक है, ट्विन है ये. चलो नेक्स्ट देखते हैं मदुराई. मदुराई को सिटी ऑफ फेस्टिवल्स बोला जाता है. पुणे को डेक्कन क्वीन बोला जाता है. कोलकाता को सिटी ऑफ बिल्डिंग्स बोलते हैं. गोदावरी को बोलते हैं दक्षिण गंगा. गोदावरी को दक्षिण गंगा बोला जाता है. गोदावरी को ही ओल्ड गंगा भी बोलते हैं. राइट, आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, तो एग बाउल्स ऑफ एशिया बोलते हैं आंध्र प्रदेश को स्टूडेंट्स. मध्य प्रदेश की बात की जाए, तो सोया रीजन है हमारा मध्य प्रदेश. और कोयम्बटूर की बात करेंगे, तो मैनचेस्टर ऑफ दी साउथ है कोयम्बटूर. लखनऊ की बात करें, तो सिटी ऑफ नवाब्स बोला जाता है. और कोचिन की बात करें, तो वेनिस ऑफ द ईस्ट बोला जाता है कोचिन को. लास्ट स्लाइड है, उसके बाद हम अपना, अच्छा दो स्लाइड्स और हैं. ठीक है, चलिए. दामोदर रिवर को बोलते हैं बंगाल ऑफ सौरो, सॉरी सौरो ऑफ बंगाल दामोदर रिवर. सौरो ऑफ बिहार इज कोसी रिवर. ब्लू माउंटेन्स इज नीलगिरी. ब्लू माउंटेन्स इज नीलगिरी. क्वीन ऑफ द माउंटेन्स को बोलते हैं मसूरी को. क्वीन ऑफ द माउंटेन्स बोलते हैं मसूरी को. राइट, हाँ, कैमूर को ग्रीन सिटी बोलते हैं. अच्छा ताबिश, ताबिश हाउ आर यू. सेक्रेट रिवर है हमारी गंगा. हॉलीवुड ऑफ इंडिया है मुंबई. हॉलीवुड ऑफ इंडिया क्या है? मुंबई. सिटी ऑफ कैस्टल्स है कोलकाता. स्टेट ऑफ फाइव रिवर्स, स्टेट ऑफ फाइव रिवर्स क्या है? पंजाब. राइट,
सिटी ऑफ वीवर्स है हमारा पानीपत, सिटी ऑफ वीवर्स कौन सा है, क्या है, पानीपत। सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं हम श्रीनगर को, सिटी ऑफ लेक्स श्रीनगर को बोला जाता है। स्टील सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं जमशेदपुर को, जिसे बोलते हैं टाटा नगर। लास्ट स्लाइड है अपनी, ठीक है, चलिए। सिटी ऑफ टेम्पल्स है वाराणसी, सिटी ऑफ टेम्पल्स क्या है, वाराणसी। यहाँ पे है काशी विश्वनाथ टेम्पल। आगे बात करेंगे, मैनचेस्टर ऑफ द नॉर्थ बोलते हैं कानपुर को। सिटी ऑफ रैलीज, सिटी ऑफ रैलीज बोला जाता है न्यू दिल्ली को। हेवन ऑफ इंडिया बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर को, हेवन ऑफ इंडिया है जम्मू एंड कश्मीर। बॉस्टन ऑफ इंडिया है अपना अहमदाबाद, बॉस्टन ऑफ इंडिया क्या है, अहमदाबाद, ठीक है, वेरी गुड। गार्डन ऑफ स्पेशीज ऑफ इंडिया है अपना केरला। अच्छा, मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टूडेंट्स जीए बाय वैशाली, आप लोग वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। जीए बाय वैशाली टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर आपको लिंक और साथ ही जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी डेली सेशंस की लिंक और पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया बोलते हैं कश्मीर को, कश्मीर को क्या बोलते हैं, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, राइट। चलो, अबोड ऑफ द गॉड, अबोड ऑफ द गॉड बोला जाता है प्रयाग को, प्रयाग को अबोड ऑफ द गॉड बोला जाता है। आलिया हसन, पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया बोलते हैं जमशेदपुर को, किसको, जमशेदपुर को, राइट। स्टूडेंट्स आज हमारा सुनिएगा, थोड़ा फोकस करिएगा सेशन पे स्टूडेंट्स। आज हमने जो करंट अफेयर्स है स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स और जो जीके जनरल नॉलेज है उसको मैंने, हम लोग ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की है। अब 1st of April और आज से आपका डेली आपका करंट अफेयर्स और जीके आपको मैं पढ़ाऊंगी 7 बजे। मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलेगा। साथ ही स्टूडेंट्स आपको अड्डा 247 का जो भी परचेज करना है कोर्स, उसके लिए आपको कोड यूज़ करना है कैपिटल में Y455। इस कोड को यूज़ करके आप डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही स्टूडेंट्स अड्डा 247 का जो ऐप है आप इसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको यूट्यूब पे तो फ्री सेशंस मिल जाते हैं आराम से, लेकिन प्रैक्टिस कहाँ करनी है, फ्री सोर्सेज के लिए प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, आपको अड्डा 247 के ऐप से करनी है। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हो डेली, जीके एंड यू नो जनरल अवेयरनेस का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देन रीजनिंग, इंग्लिश, डोमेन, जितने सब्जेक्ट्स हैं आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सब कुछ आपके अड्डा 247 के ऐप पर मिलेगा। साथ ही यहाँ पर आपको फ्री PDFs भी मिलेंगी, स्कॉलरशिप टेस्ट भी होते हैं यहाँ पे, लाइव मॉक्स भी होता है। साथ ही स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स आप रेगुलर तरीके से पढ़ सकते हो। मेरे सेशन को बिल्कुल भी देखना मत भूलना, डेली देखना, और यहाँ से आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे जो अड्डा 247 के जो ऐप है स्टूडेंट्स, एक मिनट उत्कर्ष बच्चे रुक जाओ, अड्डा टू जो यहाँ पे टारगेट एग्जाम्स है वो है CUET, IPMAT, इंदौर IPMAT, रोहतक JIPMAT है, देन लॉ एंट्रेंस एग्जाम, अदर एग्जाम्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए ओके मैम, पिट्सबर्ग का मीनिंग बता दीजिए। देखिए पिट्सबर्ग क्या है, यू नो बेसिकली विलियम पिट थे, उनके ऑनर में पिट्सबर्ग बोला जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ, और साथ ही हम पिट्सबर्ग को स्टील सिटी भी बोलते हैं, राइट। अच्छा उत्कर्ष बहुत देर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन है, एक मिनट भाई। मैम ओके ठीक है उत्कर्ष, वेरी गुड उत्कर्ष जी, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स मेरा टेलीग्राम चैनल है जीए बाय वैशाली, आप इसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा इस टेलीग्राम चैनल को। यहाँ पर आपको इस सेशन की जितनी भी PDFs होती हैं वो आपको वहीं पर मिल जाएगी PDF, और साथ ही जो लिंक है आपको वैशाली जीए बाय वैशाली टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आपको PDF और लिंक दोनों वहीं पर मिल जाएगी। साथ ही हमारा जो चैनल है वो है अड्डा 247 CUET, आप उसको सर्च करना टेलीग्राम चैनल पर, वो भी मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर लेना। आई थिंक 1000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़े हैं, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट। डेली आपकी क्लास होगी कितने बजे, 7 बजे, 7 AM पर आपकी क्लास होगी, जिसमें मैं
आपको पढ़ाऊंगी करंट अफेयर्स एंड जीके, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, जस्ट टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते एवरीवन। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे आपको मेरे साथ जुड़ना है लाइव ओनली ऑन CUET एंड यूजी एंट्रेंस एग्जाम चैनल। लाइक कर दीजिएगा सेशन को, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय एवरीवन, बाय।